तो अभी कुछ समय से सोशल मीडिया पर रेगुलर दो ही चीजें सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है जो कि अभी के टाइम सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में भी है और वो है फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। और ये दोनों ही सेल यहाँ पर साल की सबसे बड़ी सेल होती है जहाँ पर आपको इन दोनों ही सेल के अंदर यहाँ पर लगभग हर एक चीज पर यहाँ पर काफी ज्यादा हाई प्राइस ड्रॉप देखने को मिल जाता है। तो अगर आप भी उन्हीं में से हो जो कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का इंतजार कर रहे हो ताकि आप भी उनमें यहाँ पर आईफोन को काफी ज्यादा सस्ते प्राइसेस के अंदर परचेस कर सको तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके आईफोन के प्राइसेस से रिलेटेड सभी डाउट और क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो का हर एक पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हो और तो आप मुझे पर्सनली भी मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए रखते हैं इन सभी बातों को साइड में और आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 11 की जो कि पिछले 2 साल से यहाँ पर काफी ज्यादा सेल होता जा रहा है और इस बार भी आपको फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के अंदर देखने को मिलने वाला है। इसके बाद शायद ही हमें यहाँ पर आईफोन 11 किसी सेल के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसकी प्राइसिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि स्मार्टफोन 4 साल पुराना है जिसको यहाँ पर आने वाले 10 सितंबर को 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही आप इस स्मार्टफोन के अंदर 5G भी यूज नहीं कर सकते जो कि मुझे यहाँ पर इस स्मार्टफोन की सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम लगी। और तो इसके अंदर यहाँ पर हमें जो डिस्प्ले मिलती है वो भी यहाँ पर IPS डिस्प्ले मिलती है जिसकी क्वालिटी यहाँ पर अभी के टाइम के आईफोन की क्वालिटी के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। बट फिर भी अगर आप आईफोन 11 को परचेस करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बिग बिलियन डे सेल के अंदर सिर्फ 25,000 से लेकर 27,000 के बीच के अंदर मिल जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं आईफोन 12 मिनी की और ये वो स्मार्टफोन है जिसकी प्राइसिंग आपको आईफोन 11 की प्राइस के आसपास देखने को मिल जाएगी। बट एज कम्पेयर टू आईफोन 11 आईफोन 12 मिनी आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा इनकेस अगर आपको स्मॉल डिस्प्ले से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आईफोन 12 मिनी के अंदर बस यहाँ पर हमें बैटरी और डिस्प्ले साइज थोड़ा कम मिलता है बाकी इनके अलावा इसके अंदर यहाँ पर अभी के टाइम के हिसाब से कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती। तो आईफोन 12 मिनी आपको यहाँ पर इस सेल के अंदर 30,000 रुपीज के आसपास देखने को मिल जाएगा बट इसके स्टॉक के अंदर आने के चांसेस थोड़े कम है। तो अगर आप इसको लेने की सोच रहे हो तो इसके अलावा आपको एक और फोन अपने माइंड में रखना पड़ेगा ताकि स्मार्टफोन अगर आपको मिले या ना मिले इसके अलावा आपने जो दूसरा फोन अपने माइंड में रखा है वो आपको मिल जाए। तो आईफोन 12 मिनी के बाद आता है आईफोन 12 जो कि मेरे हिसाब से इस बार ये भी स्मार्टफोन यहाँ पर काफी ज्यादा सेल होने वाला है क्योंकि पिछले साल ये आईफोन यहाँ पर 30,000 रुपीज के अंदर मिल गया था और इस बार इसकी जो प्राइस रहने वाली वो यहाँ पर 35,000 रुपीज के आसपास देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपको इस सेल के अंदर आईफोन 12 यहाँ पर 35,000 रुपीज के आसपास मिलता है तो मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूंगा क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर यहाँ पर आपको डिस्प्ले बैटरी और कैमरा काफी ज्यादा सही मिलता है साथ ही परफॉर्मेंस के मामले भी ये स्मार्टफोन यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे से वर्क कर लेता है। तो अगर आपका बजट 30,000 रुपीज के आसपास है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना बजट थोड़ा सा इंक्रीज करके आईफोन 12 की तरफ जा सकते हो। आईफोन 12 के बाद आता है अपना आईफोन 13 मिनी जो कि यहाँ पर हमें इस बार 33,000 से लेकर 40,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा और इस प्राइस रेंज के अंदर भी आईफोन 13 मिनी एक अच्छी डील है अगर आपको स्मॉल डिस्प्ले साइज फोन यूज करने के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए तो। बाकी इसके साइज के अलावा ये स्मार्टफोन यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन है साथ ही इसकी जो बैटरी कैपेसिटी वो भी यहाँ पर आईफोन 12 जितनी ही मिलती है। तो ओवरऑल आईफोन 13 मिनी एक बेसिक स्मार्टफोन है बट आप इसके लिए तभी जाना अगर आपको छोटे डिस्प्ले साइज वाले फोन यूज करने में ज्यादा दिक्कत ना होती हो अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। और आईफोन 13 मिनी के बाद आता है आईफोन 13 जो कि पिछले ईयर का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन बन गया था क्योंकि पिछले साल ये काफी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सेल हुआ था जो कि पिछले साल यहाँ पर 48,000 रुपीज के अंदर लूटा गया था। ठीक उसी तरह इस बार भी यहाँ पर ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा सेल होने वाला है और इस बार इसकी जो प्राइस रहने वाली वो यहाँ पर करीबन 45,000 रुपीज के आसपास होने वाली है और इस प्राइस के अंदर ये डील यहाँ पर इस साल की सबसे अच्छी डील भी हो सकती है क्योंकि आईफोन 13 एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको यहाँ पर कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती चाहे वो इसका डिजाइन हो साइज हो कैमरा हो या इसकी परफॉर्मेंस हो। तो अगर आपका बजट 45,000 रुपीज है और ये स्मार्टफोन आपको इस सेल के अंदर 45,000 रुपीज के आसपास देखने को मिलता है तो आप इसके लिए बिना सोचे समझे जा सकते हो ये काफी ज्यादा अच्छी डील हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं आईफोन 14 की जो कि सेल के अंदर हमें यहाँ पर 55,000 रुपीज के आसपास देखने को मिलने वाला है जो कि लगभग यहाँ पर सेम आईफोन 13 जैसा ही है जिनको आप अगर साइड बाय साइड यूज करते हो तो आप इनके अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं बता सकते जैसे कि आईफोन 14 के अंदर हमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जैसे कि एक्शन मोड क्रैश डिटेक्शन एक्सेट्रा। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको आईफोन 13 और 14 में से किसको लेना चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका बजट इतना है कि आप इजीली आईफोन 13 को परचेस कर सकते हो बट आईफोन 13 और 14 के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है वो यहाँ पर 5,000 से 6,000 रुपीज का है तो आप अपना बजट बढ़ाकर आईफोन 14 के लिए जा सकते हो अदरवाइज आपको जो डिफरेंस है वो 10,000 से लेकर 11,000 रुपीज के बीच में मिलता है। तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप आईफोन 14 परचेस करो आप 45,000 रुपीज एक्सपेंड करके आईफोन 13 परचेस कर सकते हो। और इनके अलावा हमें यहाँ पर आईफोन 14 प्लस पर भी ह्यूज प्राइस ड्रॉप देखने को मिलने वाला है जिसके अंदर हमें यहाँ पर बेस्ट बैटरी और यहाँ पर बिग डिस्प्ले मिलती है जो कि वीडियो एडिटर और वीडियो क्रिएटर के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी चॉइस रहने वाली है। साथ ही अगर आप इसके अंदर गेमिंग करना चाहते हो तो इसकी बिग डिस्प्ले होने की वजह से यहाँ पर इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो इस सेल के अंदर आईफोन 14 प्लस की जो प्राइस है वो यहाँ पर आपको 65,000 के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपका बजट 65,000 रुपीज है और आपको एक अच्छी बैटरी और बिग डिस्प्ले चाहिए तो आप एक बार इसके साइड देख सकते हो। तो ये तो रही बात सभी आईफोन की प्राइसिंग की जिसको आप पार्ट 1 भी बोल सकते हो क्योंकि जल्दी मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसके अंदर इस सेल से रिलेटेड सभी डिटेल्स होगी जैसे कि आपको कौन सा आईफोन किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा उसके लिए आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा प्लस और प्राइम मेंबरशिप आपके लिए सेल के अंदर कितनी ज्यादा जरूरी है और इनके अलावा और भी बहुत चीजें जिनको जाने के बाद ड्यूरिंग सेल आपके किसी भी फोन को परचेस
परचेस करने के चांसेस डबल हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके लिए टीजीवीसीएफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।